जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बहन भाई, छोटे बड़े, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। आपने जो आज मान सम्मान दिया है वो एक खिलाड़ी होने के नाते दिया है। मैं खिलाड़ी होने के नाते आपसे बात करना चाहती हूँ आज। बस आपकी बेटी ने बचपन से संघर्ष किया है, और सिर्फ मैंने नहीं किया है, आपके बीच में जितने भी आपके बालक हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, सब संघर्ष करके जिंदगी में आगे बढ़े हैं, रोजगार लेवा है, नौकरी लेवा है, कोई खेल आगे बढ़े है। आप लोग भी संघर्ष से आए हो यहाँ पे, हम भी संघर्ष से आए हैं। हमारा जो ये परिवार है, ये संघर्षशील हमारा परिवार है। चांदी की चम्मच ना आपके बच्चों के किसी में मुंह में, उसी में मैं आ गई हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की बच्ची हूँ। संघर्ष तो हम करें और हमारे भाग्य का फैसला कोई और करे, ये कैसे उचित है? बहुत सारी बहनें अभी मेरे को मिल रही हैं कि दीदी गेम करना है। आज ही हमारे गढ़वाली खेड़ा की एक बहन आ गई घर पे सुबह सुबह, वो बोली दीदी मेरे को गेम करना है। 4-5 साल है उसने गेम स्टार्ट किया था, लेकिन उसका मन नहीं लगा घर से बाहर। अभी उसको मेरे को देख के उसमें जोश आया है, उसमें एक हिम्मत आई है कि कोई गेम करने वाली आई है, उसके अभी गेम करना है, उसको नाम बनाना है। तो मैं मानती हूँ ये मेरा ओलंपिक मेडल है, जो ये बहने मेरे को देख के अगर सीखना चाह रही हैं, इससे बड़ा मेडल मुझे नहीं लगता धरती पे कोई होता होगा। जिंदगी में अगर हम, मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि अगर जिंदगी में हमने 5 लोगों को भी सही रास्ता दिखा दिया तो मैं मानती हूँ कि हमारा जीवन सफल हो जाता है। अभी तो बहुत सारी बहने हैं जो देख के मेरे को हिम्मत ले रही है, वो संघर्ष करना चाहती हैं, वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है, वो चाहती हैं कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि वो मेरे पे इतना विश्वास दिखा रही है कि हमारी ये बहन आगे बढ़ेगी तो हमारे लिए खड़ी होगी, हमारे हकों के लिए आवाज उठाएगी। और मैं उन सभी बहनों को बोलना चाहती हूँ, ताई बैठी है सारी, ताई और जो बेबे हुए ना आई, उन्हें भी कह दी हो सकते हैं, उनकी अबान, उनकी आपकी बेटी हमेशा सच्चाई के साथ में खड़ी रही है। राजनीति में आगे हूं इसका मतलब ये नहीं है मैं झूठ बोलूंगी, सच्चे मन से, मेहनत से, जितनी लगन से हमने गेम किया है, कुश्ती लड़ी है, उसी सच्चाई से मैं इस राजनीति को चलाना चाहती हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके बच्चे, हम जैसे बच्चे अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कभी भी आपकी आवाज को उठाने वाला, आपकी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं होगा। कहीं ये सोचता हो कोई भगवान आएगा उनको बचाने के लिए, और एक दिन वो बचा के ले जाएगा। परमात्मा ने हमको भेजा है, हम खिलाड़ियों के तौर पे हम बोलते हैं कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। भगवान तो सबसे बड़ी शक्ति है, उसको हम ना इनकार कर सकते हैं कि वो नहीं है, उनके बिना तो ये संसार भी नहीं है, लेकिन वो भी बोलते हैं कि पहला कदम आप बढ़ाओ, उसके बाद में हम आपके साथ में खड़े हैं। आप तो ये मान सम्मान जो दे रहे हो, सपना भी नहीं लिया था मैंने इतना बड़ा तो कभी। छोटे छोटे सपने थे, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा बड़ा सपना था कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आना है, और अपने परिवार का, अपनी माँ का नाम करना है, अपने पापा का नाम करना है। लेकिन गोल्ड मेडल मिलने के बाद में कितना मान सम्मान मिलना है, इतना नहीं सोचा था। सोचा था कि बहुत बड़े बड़े लोग आवेंगे, बधाई देवेंगे, 2 दिन खातर भूल जाऊंगे। लेकिन आपका जो प्यार है ना, ये अमर अजर है, ये ना तो भुलाया जा सकता है, ना इसको झुठलाया जा सकता है। और मैं परमात्मा की बंदी हूँ, परमात्मा की बच्ची हूँ, इतना प्यार 30 साल की उम्र में मेरे को इतना प्यार मिल रहा है। मैं इसी प्यार का, इसी आपके विश्वास को मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि कभी भी जिंदगी में किसी भी मोड़ पे अपनी तरफ से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। जितना आप सब मेरे से उम्मीद कर रहे हो, मैं उससे 10 गुना 100 गुना ज्यादा बढ़ के आपके लिए काम करने की इच्छा रखती हूँ। जब तक मेरे में हिम्मत थी, मेरे हाथ में जो चीज थी, क्योंकि खिलाड़ी होने के नाते कुश्ती में बोला अगर जो मेहनत करेगा वो ठाके ठोक देगा, उस क्षेत्र में मैं परमात्मा की दया से, आपके आशीर्वाद से हमेशा मेहनत करिए, तो मेरे को मेहनत से ज्यादा दिया परमात्मा ने।
अभी भी मैं मानती हूँ कि अगर मैं, क्योंकि मेरे को 10 दिन भी नहीं हुए इस राजनीति के क्षेत्र में, इतने लोग इतने सपोर्ट में सब लोग खड़े हैं, हमारे बहुत सारे जो पार्टी के कार्यकर्ता थे जो इतने सालों से संघर्ष कर रहे थे वो भी आज मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी बेटी को आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो भी दिल से चाहते हैं कि मैं जीतूं, क्योंकि उनको भी पता है हमको भी पता है 10 साल जो हमने संघर्ष किया, 10 साल जो हमने झेलना है, वो आने वाले सालों में हमें झेलने की ताकत नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो एक चेहरा हूँ, पार्टी ने चेहरा बनाया है, मैंने तो आप लोग करे हो जमीन के ऊपर, और शायद मैं जानती भी नहीं हूँ सब लोगों को, लेकिन मैं एक बात का भरोसा आपको दिलवा सकती हूँ, हर चीज को टाइम लगता है। जब कुश्ती में आए थे जब बोला करते कि छोरा का गेम है, छोरी कुकर कर सके है, आपने वो भी करके दिखाया है। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, टाइम लगता है। तो मैं आप सबसे, कोई भी ये बोले कि भाई पहचान लिया, मैं माफी मांगना चाहती हूँ आप सबसे, क्योंकि इतना जल्दी तो इतने बड़े परिवार को मैं पहचानने में समर्थ नहीं हूं, टाइम लगेगा, पहचानूंगी जरूर, आपके घर तक जाऊंगी मैं ये भी बता दूंगी फिर कौन सी ताई ने चूरमा खुआया था, कौन सी दूध पिया था, कौन से मोड़ पर मिली थी। खिलाड़ी होने के नाते हमने एक दो चीजें सीखी हैं, मेहनत के साथ में सबर करना सीखो, तो हमको भी सबर रखना है, आपको भी सबर रखना है, जीत से पहले जीत नहीं माननी, हार से पहले हार नहीं माननी है बिल्कुल भी। आप सबको लगता होगा कि बेटी जीत रही है, लेकिन बहुत सारे षड्यंत्रकारी आपके बीच में आएंगे, 2 साल से हमने भी देखा है कितने लोग आते हैं, हर मोड़ के ऊपर आपको खड़े मिलेंगे, कुछ आपसे गलत बुलवाने की कोशिश करेंगे, कुछ हमको दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक विश्वास दिला दूं मैं, तारीफ सोरी ना कोई नहीं दाब सकता परमात्मा के अलावा। जो मान सम्मान जो प्यार देने लग रहे हो आप, मैं चाहती हूँ कि हमारी हर उस बहन को, हर उस बेटी को, हर उस भाई को आप वही मान सम्मान, वही ताकत दो जो आप मेरे को दे रहे हो, क्योंकि जब वो मेहनत करते हैं तो उनको एक हाथ पीछे चाहिए होता है शाबाशी का। कई बार क्या होता है खिलाड़ी हार जाता है, उस टाइम पे जब वो शाबाशी मिलती है, जैसे मेरा मेडल नहीं आया ओलंपिक में, लेकिन आपने जो शाबाशी दी है ना वो अनमोल है, वो ऐसी ताकत है कि हम किसी से भी लड़ जाएं और फिर से उठने के, हमारे जो मतलब बोलते हैं कि मेरे को अगर आप लोग अभी इतना प्यार नहीं देते तो शायद मैं 6 महीने में, साल में, शायद 2 साल में भी ठीक नहीं होती, मैं घर पे बैठ के रोती रहती या खाना नहीं खाती, लेकिन आप लोगों ने जब से मैं एयरपोर्ट पे आई मेरे को उठाए घूम रहे हो, मेरे जैसा पूरा हर गांव में त्योहार जैसा बनाया जा रहा है, पटाखे जला रहे हैं, तो ये जो चीजें हैं ये जिंदगी भर के लिए अनमोल है, इसको समेटने में मेरे को टाइम लग रहा है, लेकिन छोटूंगी नहीं बिल्कुल भी, समेट के सारा अपने साथ में रखूंगी। रही आपके आत्म सम्मान की बात, आपके सम्मान की बात, हर मोड़ पे, हर जगह पे, बचपन से लेके आज तक, बोलते ना संस्कार तो परिवार से मिलते हैं, तो मेरे परिवार ने, मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हमें, बड़ों का सम्मान करना, हमारी संस्कृति को बचा के रखना, हमारे समाज के बचा के रखना, आज भी हमारे फैसले पंचायतों में होते हैं, और जब हम जंतर मंतर पे बैठे थे, जब हम बोलते थे कि हमारी पंचायतें फैसला लेंगी, बहुत सारे बाहरी लोग उसका मजाक बनाते थे कि अच्छा ये तो पंचायत फैसला करवाएगी, इनका तो, इनके तो पंचायत वाले गोल्ड मेडल देते हैं, मैं तो गर्व से बोलती हूँ मैं पंचायत से तुम लेके तो दिखाओ गोल्ड मेडल, इतना आसानी से नहीं देते हमारे वाले गोल्ड मेडल, उनको लगता है हमारी बेटी ने कुछ बड़ा काम किया है, उनके मान सम्मान की रक्षा की है, इसलिए उन्होंने वो मेडल दिया, और हमेशा मैं उस मेडल का सम्मान करूंगी, हमेशा उस पगड़ी के मान सम्मान को मैं ध्यान में रख के अपनी जिंदगी में हर एक वो फैसला लूंगी, आपके सम्मान को ठेस ना पहुंचे ऐसा मैं हमेशा प्रयास करूंगी। और एक ही रिक्वेस्ट आखिर में, अकेली तो बहुत लड़ लिया हम, आप भी लड़े हो, हम भी लड़े हैं, जूते जूत मिले, इसके अलावा कुछ नहीं मिला हमने, एक बार एक होके देखो और फिर लड़के देखो, अगर नहीं जीत जाओ तो आप भी यहीं पे हो, हम भी यहीं पे। राजनीति बुरी नहीं है, राजनीति में आने वाले लोग बुरे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि छोरे तो कुश्ती कर लेती है, कणाई है, कई
चाचा था वो हमारे फार्म भरे थे, वह भी सोचते उनने भी सोची तुम्हें टिकाने की आई हो रहा तो कई कई बार जीवन में परिस्थिति ऐसी आ जाती है, जब से मैं दिल्ली एयरपोर्ट से आई हूँ ना, हजारों लोग मेरे से मिले, हजारों लोग घर पे भी आए हैं। दो दिन तो उन्होंने पूरा दुख मनाया, पूरे गले मिले, तीसरे दिन बोलने लगे बेटी टिकट लिया जमा मर गए माता उसी रहने दो, बहुत बड़ी चीज है यार, मैं नहीं संभाल पाऊंगी, बहुत छोटी उम्र है मेरी। बेटी तू बस ले ले आगे, अपने आप संभाल लेंगे हम। अच्छा तो टिकट आपकी लाके आपकी जोड़ी में दर्द दी आपकी बेटी ने, कांग्रेस पार्टी ने हम पे भी एहसान किया है, मेरे पे भी बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर ये टिकट नहीं देते तो मैं आप सबके बीच में ऐसे गांव गांव में नहीं घूमती, कोई भी बच्चा नहीं घूम सकता है। और अगर घूमती तो बोलते हैं तो पागल होगी नरी बड्डी, इसका मॉडल के ना है या तो जमाई बावड़ी हुई घूमने लग रही है। तो परमात्मा की मैं शुक्र गुजार हूँ आपके बीच में भेजा, आपके मान सम्मान को देखने का, मेरे को फील करने की मेरे को एक मौका दिया है। इस मौके को आप नहीं जाने देना, क्योंकि मैं उन हजारों बहनों की बेटियों की उम्मीद हूँ। अगर ये उम्मीद रही आज टूट गई ना, तो मुझे नहीं लगता कोई बहन बेटी का भी संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरेगी। और रही ताऊ जी बात है, उस दिन कही दिया है बात आज है, उस दिन तो हमने लड़ाई लड़की सच्चाई की लड़ाई थी, झूठ तो ना हमने बोलना सीखा ना हमारे खून में झूठ है। आप लोग आगे बालक है झूठ बोल के लेना, हमने सच्चाई तो चले हाँ, बिना डरे बिना झुके हमेशा नहीं चलते रहेंगे। और बाकी आपने न्यू लगा है तारी चोरी तारीखा तारी कुछ कर सका है तो आधकारी शान दबा दियो, दबा दब करके ना वो ब्रज भूषण इतने दो साल में जिंदा रहा है ना, वो नहीं मर जा तो मन बता दियो। बहुत सारे लोग बैठे हैं अभी भी मेरे को लड़कियां मिली है कि दीदी बहुत सारे ब्रज भूषण हमारे आगे भी आ रहे हैं, कबड्डी की लड़कियां थी। तो हर जगह पे ऐसे लोग बैठे हैं, जब तक आपकी बेटियां आगे नहीं आएंगी ना, कोई नहीं बचाने आएगा उनको भी। हर उस बेटी की और हर उस बाण की अगर मैं उम्मीद हूं, तो मैं अपने आप को मानती हूँ कि मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वो जिम्मेदारी मैं तभी पूरी कर सकती हूँ, तभी मैं उसको निभा सकती हूँ जब आप लोग मुझे उस विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे। और वहां पे जो भी डायरी कलम होगी वो आप लोगों की होगी, थोड़ा जी का उड़ा साइन कर लियो, ताई और उठा भी ले आऊंगी, वो बीमार क्यों बेच सकता, कोई दिक्कत ना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार इतना मान सम्मान देने के लिए। आज आपकी बेटी राजनीति के तौर पे नहीं आई है, आपकी बेटी एक खिलाड़ी के तौर पे आई है, जो आपने मान सम्मान खिलाड़ी के तौर पे दिया है उसको मैं हमेशा सजो के रखूंगी, हमेशा उसका मान सम्मान रखूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।